जैसे सबको पता है कि 4 महीनों से कोरोना की वजह से हम घरों में बैठे हैं, और हर क्रिकेटर वो जो भी हो उनके रगों रगों में क्रिकेट ही होता है, और क्रिकेट के बगैर टाइम गुजारना क्रिकेटर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब इस बात की बहुत खुशी है कि आगे एक टूर आ रहा है, और बड़ा अच्छा टूर आ रहा है, और उम्मीद है बड़ा अच्छा होगा। पीसीबी ने बड़ा अच्छा जो है इसका अरेंज किया होगा, सारी चीजें अच्छी होंगे, तो उम्मीद है इंशाल्लाह तैयारी है। वहाँ पे थोड़ा टाइम मिलेगा तो वकार भाई के साथ और जो भी है, क्योंकि हमने ट्रेनिंग ज्यादा की है जो 2-3 महीनों में, और बॉलिंग बैटिंग जो है वो इतनी नहीं हुई, तो वो कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जिस तरह हमें प्लान देते हैं कि किस हिसाब से आप जल्दी जल्दी जो है वो स्केल पे काम करें तो वो बेहतर रहे। ओके, थैंक यू नसीम। मैं क्वेश्चन के लिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, नाम बोलता जाऊंगा, प्लीज कर लीजिएगा। खालिद साहब, शायद हाशमी साहब, रशीद शुकूर। अस्सलाम वालेकुम नसीम। वालेकुम सलाम। नसीम बेटा, माशाल्लाह अभी आपकी उम्र 17 साल है, और इस ऑलरेडी आपने दो ऐसे रिकॉर्ड कायम कर दिए, सबसे कम उम्र फास्ट बॉलर जिसने एक इनिंग में 5 आउट के टेस्ट क्रिकेट में, और सबसे कम उम्र फास्ट बॉलर जिसने सबसे कम उम्र बॉलर जिसने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लिए। अब आप इंग्लैंड जा रहे हैं, और आपको पता है जैसे खेल के कानून में तब्दीली आई है, आप फ्लाइवे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बॉल पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये बताइए कि बीइंग अ यंग फास्ट बॉलर आपके लिए कितना ये मुश्किल हो सकता है? सबसे पहले आपने जो परफॉर्मेंस की बात की है, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है कि अल्लाह ने इतना बड़ा जो है इतने मुकाम पे और इतनी अच्छी जगह पे परफॉर्मेंस कराई। और बिल्कुल यही है, मेरा तो यही है कि मैं सीख रहा हूँ, मेरा पहला टूर है, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा वहाँ पे कि जिस तरह हमारे सीनियर बॉलर हैं उनके भी बॉलर हैं, और सबसे पहली बड़ी जो बड़ी बात है वेस्ट इंडीज की सीरीज है, तो वो सारा देखेंगे कि वो किस तरह जो है वो बॉल के साथ कोई और तरीका निकलता है, तो वो देखेंगे जरूर, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बस फिलहाल कोरोना की वजह से जो जो आईसीसी के रूल है उसको फॉलो करें, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वहाँ पे अच्छे परफॉर्म। जी शायद भाई, नसीम सलाम अलैकुम। आप नसीम इंग्लैंड जा रहे हो, 17 साल के हो, वहाँ पे बड़ी एक हाइप मची है कि छोटा सा लड़का आ रहा है 16-17 साल का, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो आपको बच्चा समझे और आपको बहुत ही लाइटली लें, और आप उसमें काम दिखा दो तो लाइट तो नहीं लेंगे, वो कहेंगे ये तो छोटा सा बच्चा है यार। सर, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है कि मुझे छोटा ही समझे, और फिर मेरी कोशिश होगी कि अगर वो लोग छोटा समझते हैं तो उनका नुकसान होगा, तो मेरी तो कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि एज से कुछ नहीं होता, बॉलिंग होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता हूँ जिस तरह मेरी बॉलिंग हो रही है, तो उम्मीद है कि वहाँ पे भी जाके जो है वो अच्छी बॉलिंग करूँगी, क्या आहिस्ता आहिस्ता मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस और सीखने का मौका मिले। किशोर भाई, सलाम अलैकुम नसीम। वालेकुम। नसीम, जिस तरह हमने माजी में देखा कि वकार और वसीम के अपने जो एक कंपटीशन होता था कि एक 5 विकेट ले रहा है तो दूसरे की भी कोशिश होती, ये चीज अभी रिसेंटली हमने देखी कि शाहीन आफरीदी, अब्बास और आप में एक जो है इस तरह की एक कंपटीशन है, तो ये हेल्दी कंपटीशन जो है टीम के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है, टीम को इससे कितना फायदा होता है? और दूसरा, अभी तक आपका जो अभी तक जो मुख्तसर सा करियर है उसमें ऐसी कोई खास परफॉर्मेंस किसी ऐसे बॉलर की जिसने आपको इंस्पायर किया अभी तक और मोटिवेट किया कि उसको जहन में रखकर जो है वो आप अपना करियर जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं? ये दो सवाल हैं जो आपने जवाब अगर दे दें तो। थैंक यू। पहले जो आपने बात की वकार भाई वसीम भाई की जो कम्बिनेशन बनी हुई थी, बिल्कुल शहीन भाई अंडर 19 में वो 1 साल बड़े थे, मतलब 1 साल सीनियर थे हमसे, तो वो अकेले अंडर 19 में हमारे साथ थे, मैचेस खेलते थे हम उनके साथ। उसी टाइम से ये था कि हम नेट में बॉलिंग करते थे, तो हम दोनों थोड़ा मतलब दोस्त है तो आपस में डिस्कस करते, और जैसे मैं वो मेरे से पहले टीम में आया और माशाल्लाह वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर गया, और जैसे मैं टीम में आया तो सारा ये था कि पहले से भी हमारा थोड़ा कम्बिनेशन बना हुआ था, और उसके बाद हम नेट में भी जब बॉलिंग करते हैं तो एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं कि हमने आपने ये प्लेन के साथ बॉलिंग करनी है, ये बैट्समैन है लेफ्टी है राइटी है,
आपने इसको ऐसे करना है, तो हम एक दूसरे के साथ जो है वो अच्छा रख रहे हैं नेट में भी और मैच में भी। इसी तरह ही होता है कि बस ये एक नेचुरली होता है, कम्बिनेशन जो है वो बन जाता है, क्योंकि वो अगर एक रन से वो आउट कर रहा होता है या उसको कोई एक ओवर में को रन पड़ते हैं तो मुझे आगे से बताते कि अगला ओवर आपने मेडन करना है। तो ये बड़ी एक अच्छी बात है और इससे बहुत पाकिस्तान को फायदा ये हो सकता है कि हम परफॉर्मेंस करेंगे तो जाहिर बात है पाकिस्तान को फायदा होगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम दोनों की जो कम्बिनेशन है वो अच्छा रहे और पाकिस्तान को फायदा मिले। और दूसरी बात ये है परफॉर्मेंस की, करंट में अब आप कह रहे हैं माजी, मतलब जब से आप आए हैं तो कोई ऐसी परफॉर्मेंस किसी ऐसे बॉलर की जो आपके जहन में हमेशा से रही हो कि हाँ यार ये एक ऐसी चीज है कि जिस जो आपको हमेशा से इंस्पायर करती रही? परफॉर्मेंस तो बिल्कुल हमारे माशाल्लाह जितने बॉलर हैं वो सारे अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो टेस्ट में अब्बास भाई जिस तरह के बॉलिंग करता था, इंग्लैंड में उसने जैसी बॉलिंग की है, उसके अलावा दुबई में उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, तो बस वो ये था शेन की भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो बिल्कुल जब वो परफॉर्मेंस करते तो आप दिल में आते हैं कि इसी तरह परफॉर्म करे, तो उससे ये होता है कि टीम को भी फायदा होता है और टीम परफॉर्मेंस होती है। जी नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ नादरा, अतीक, बदी एंड जायद गफार। मेरा सवाल ये है नसीम आपसे कि वहां पर आपने कोई जाहिर से बताए एनालिसिस किया होगा, बहुत से प्लेयर्स देखे होंगे, तो कौन सा बैट्समैन है जिसको आप चाहते हैं कि अर्ली विकेट्स लें? दूसरा ये कि ना ही तो आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस हुई है, ना ही तो आपको वहां का इतना एक्सपीरियंस है, तो किस तरह से आप फाइट करेंगे? पहले जो आपने बात की, बिल्कुल उनके जितने भी बैट्समैन है उनके वीडियोस देखते हैं जो बैट्समैन है, और मेरे ख्याल से एक बैट्समैन को टारगेट करने से आपका जो जो टारगेट है वो अचीव नहीं होता, क्योंकि आप एक आउट करोगे तो आपको एक ही विकेट मिलेगा। आप अगर पांच आउट करोगे तो उसमें मुख्तलिफ बैट्समैन आते हैं, मिडल ऑर्डर भी आते हैं उसमें, आप लास्ट में भी कर सकते, उसमें अच्छे बैट्समैन भी होते हैं। तो हर बॉलर का यही कोशिश होता है कि मैं हर मैच में पांच आउट करूँ, हर इनिंग में पांच आउट करूँ। तो ये है कि उम्मीद है इंशाल्लाह कोई भी बैट्समैन हो तो उसके लिए सेम यही टारगेट है कि आउट करे, वो कोई मिडल ऑर्डर में ओपनर हो वो अच्छा हो या लास्ट में हो, क्योंकि आउट कितनी अहमियत होती है बॉलर के लिए। और दूसरी बात, बिल्कुल मेरा पहला टूर है और इंशाल्लाह मैं एक सीखने की भी कोशिश करूँगा और मेरे लिए बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे पहले वेस्ट इंडीज के टूर है तो वो भी देखेंगे ज़रा वहाँ पे क्या क्या जो है वो बॉल के साथ क्या होता है और किस तरह क्रिकेट होती है वो सारा नज़र आएगा। और इसके अलावा भी काफ़ी सीनियर बॉलर्स हैं उनके साथ डिस्कस करके, जैसे वकार सर है उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो उनसे डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रहेगा। रिक्वेस्ट मेरी ये, प्लीज एक क्वेश्चन तक रिस्ट्रिक्ट रखें क्योंकि सब लोग हैं, हम कोशिश करना है कि इस टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। जी अतीक प्लीज आप करिएगा, फिर बदी और फिर गफार। नहीं रजा भाई, बदी वैसे कर लें, मेरा कभी कभी है नहीं। ओके मैं बाद में आपकी तरफ आता हूं। जी बदी आप कर लें फिर मैं। अच्छा नसीम, पहली बार इंग्लैंड जा रहे हो वो तो सब वो तो है ही, लेकिन दूसरा ये होता है कि बहुत सारे बॉलर्स की ये ख्वाहिश होती है कि उसने एक टारगेट बनाया होता है, जैसे भारत के बहुत टॉप ऑर्डर बैट्समैन है उनको, बड़े बैट्समैन को टारगेट होता है, इंग्लैंड का ऐसे ही जितने ही बड़े बैट्समैन को एक यंग फास्ट बॉलर ने एक टारगेट बनाया हुआ होता है। नसीम शाह के जहन में ऐसा कुछ है कि बड़े बड़े तीन चार नाम ऐसे हों जिनको आउट करके खुशी भी होती हो, क्योंकि टैलेंटर में तो आप आके आउट करते हैं फास्ट बॉलर इतना खुशी नहीं होती जितना ऐसे बैट्समैन को कि जो रन्स कर रहा हो, मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहा हो, ऐसे कोई चार पांच नाम हैं आपके जहन में? बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ये है कि आप अगर एक बैट्समैन को आप टारगेट करोगे कि मैंने इसी को आउट करना है तो फिर आपको दूसरे ऐसे लगेंगे कि आप टारगेट ही आपके जहन में एक होगा, लेकिन ऐसे नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है, जितना अच्छे से अच्छा बैट्समैन आप आउट करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा मजा आता है, क्योंकि वो इतना अच्छा खेल रहा होता है और आप उसको आउट करते हो। लेकिन टारगेट तो यही होता है कि हर मैच में जो है हर इनिंग में पांच आउट करने का, ये हर बॉलर का टारगेट होता है, तो वैसे ही मेरा ही टारगेट है। तो उसमें आप अच्छे बैट्समैन को भी आउट कर सकते हो, उसमें आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी आउट कर सकते हो, लास्ट में हर बॉलर का जो टारगेट होता है पांच आउट करना होता है। ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नसीम मेरी आवाज आ रही है आपको? नसीम आपने हैट्रिक भी कर ली टेस्ट क्रिकेट में और पांच विकेट भी ले लिए, दो
दोहरा एजाज आपके पास है, तो अब आपका क्या ड्रीम है टेस्ट क्रिकेट में, वनडे में और टी ट्वेंटी में? क्या आपने अपने गोल सेट किए हुए, क्या करना चाहते हैं मजीद? बिल्कुल गोल तो बिल्कुल सेट है। एक तो सबसे पहली बात यह कि मैं इतना लंबा जो है टारगेट नहीं रखता, एक जहन में होता है कि मैंने दुनिया का नंबर वन नंबर थ्री जो फास्ट बॉलर टॉप थ्री में आना है, और मैं मैच बाई मैच सोचता हूँ कि या सीरीज बाई सीरीज की मैं ये सीरीज है तो मैं सिर्फ पूरा फोकस करूँ कि सीरीज में मैं बेस्ट बॉलर बनूँ, हर मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दूँ। और जो सबसे बड़ा टारगेट है वो यही है कि तीनों फॉर्मेट में जिसमें मुझे मौका मिलता है और मैं तीनों के लिए फिट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यही टारगेट है कि मैं पाकिस्तान के लिए ऐसा खेलूँ और अच्छा खेलूँ, अच्छा करियर जो है अपना गुजारूँ ताकि लोग बाद में अच्छे नाम से पुकारें। जी नेक्स्ट मैं प्लीज ना बता रहा हूँ नाम, प्लीज वो क्वेश्चन करेगा महमूद मोईशा साहब, इरशाद और दानिश। महमूद आपको आवाज आ रही है? ओके महमूद आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज। हेलो जी महमूद क्वेश्चन करिएगा। अच्छा नसीम मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इंग्लैंड की जो विकेटें होती है इसमें स्पीड से ज्यादा हमेशा टेक्निक का बहुत अमल दखल होता है कि इंग्लैंड की विकेटों पर आपको तेज बाउंसी की बजाय जो होती है कि आउट स्विंग इन स्विंग रिवर्स स्विंग वगैरह सब, तो आप क्या समझते हैं कि वकार यूनुस से दीगर आपने अपनी टेक्निक को कितना मजबूत किया है? बिल्कुल आपकी बात सही है लेकिन स्पीड भी बिल्कुल हर जगह काम आती है और टेक्निक की आपने बात की है इस पे वो हम डिस्कस करेंगे किस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। वो स्पीड का भी अगर आप बॉल रिवर्स के लिए तैयार होते हैं तो आप तब स्पीड से आप रिवर्स कर सकते हो, और उसके अलावा जो है स्पीड के बहुत सारे काम होते हैं। स्पीड के साथ अगर आप स्पीड के साथ करते हैं महमूद अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज, वो बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि वो चीज़ें वहाँ पे जाके वो कंडीशन देख के, और जैसे मैं वीडियोस देखता हूँ वहाँ के इंग्लैंड के जो मैचेस होते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो जो चीज़ें हैं जो जो वहाँ पे काम आने वाली चीज़ें हैं तो उस पे वो जो चीज़ें वो अप्लाई करें वहाँ पे और इंशाल्लाह अच्छा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा प्लीज। जी मोहित शाह अस्सलाम वालेकुम जी, आप खैरियत से हो नसीम? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आप। अच्छा ये बताएं कि देखा गया है जो हिस्ट्री बताती है कि इंडियन बैट्समैन जो हैं वो ट्रू पेस के खिलाफ इतना अच्छा नहीं खेलते। हम पीछे देखा है शुएब अख्तर या वसीम अकरम हुए, उनको बड़ा ट्रप करते रहे हैं, तो आप मतलब आप उम्मीद से हो कि आप कभी इंडिया के खिलाफ इंडिया के बैट्समैन के अगेंस्ट बॉलिंग करोगे और उनको तंग करोगे अपनी स्पीड से और अपनी जो आपका एक एग्रेसिव एटीट्यूड है उससे, एक लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट? नहीं बिल्कुल, फास्ट बॉलर का तो यही एक जो है मजा होता है कि वो स्पीड भी उसके पास हो और एग्रेशन भी हो, ये सारी चीजें हो। कोई भी बैट्समैन हो वो इंडिया के वो इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया किसी भी कंट्री के हो, लेकिन जब आप बॉलिंग कर रहे होते तो आप ये नहीं सोचते कि ये सामने कौन खड़ा है, कितना बड़ा बैट्समैन है। हाँ वो बड़ा बैट्समैन ज़रूर होता है लेकिन आप अगर बॉलिंग के टाइम पे ये सोचोगे कि वो कितना बड़ा है तो फिर आपकी जो है वो अपने हिसाब से इतनी अहमियत नहीं रहती, क्योंकि आप बॉलिंग जब कर रहे हो तो आपको माइंड बिल्कुल पॉजिटिव रखना पड़ता है कि बैट्समैन जैसा भी अच्छा अपने स्ट्रेंथ पर रहना है, अपनी जो है अपनी बेस्ट बॉलिंग करनी है। तो मेरा बिल्कुल यही है, मैं जैसे ग्राउंड में उतरता हूँ कलमा पढ़ के मैं ये नहीं देखता कौन सामने खड़ा कौन नहीं, बाकी अल्लाह पे मैं बिलीव करता हूँ और मैं अपनी जो है ग्राउंड में 100% देता हूँ, अपना एफर्ट करता हूँ, बाकी अल्लाह पे। इंडिया इंडिया के खिलाफ वो नहीं आपको वो जस्तजु नहीं है एक तरह से, वेट नहीं कर रहे कि इंडिया के खिलाफ? भाई इंग्लैंड टूर पे हम कर रहे हैं, इंडिया वाला इस वक्त इसको बनेगा नहीं प्लीज, इसकी फ्यूचर के बारे में ना। नहीं बिल्कुल, अभी तो इंग्लैंड का सीरीज है, इंशाल्लाह इंग्लैंड का जो सीरीज है अभी से फोकस करें उनके जो बैट्समैन है उनकी वीडियोस देखें, क्योंकि अभी करंट यही आ रहा है, और इंशाल्लाह फिर जब इंडिया के खिलाफ सीरीज आएगा तो बिल्कुल कोई भी टीम हो इंडिया के हो या कोई भी हो सीरीज आएगा तो उनके लिए बिल्कुल तैयारी के साथ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो आप अच्छी परफॉर्मेंस करनी। थैंक यू जी। इरशाद एंड दानिश प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम नसीम, ये पूछना चाह रहा था मैं कि इंग्लैंड का टूर तो आ रहा है, आप जा भी रहे हैं माशाल्लाह से वहाँ पे, लेकिन ये कि जो पूरी बीमारी फैली हुई है कोरोना की, खौफ तो होता है, खिलाड़ी भी इंसान ही होते हैं, उनके दिलों में खौफ तो होता है कि क्या चीज़ है कोरोना बीमारी है, अगर लग जाए तो बड़ी मुश्किल पेश आती हैं, तो क्या ऐसा ऐसी कुछ चीज़ है जहन में, क्योंकि जाहिर है कॉन्टैक्ट होगा बॉल से खिलाड़ियों से, तो कोई ऐसा ऐसा कोई खौफ तो नहीं है जहन में इंग्लैंड जाते हुए कि कोरोना की बीमारी के हवाले से? नहीं, मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि पीसीबी ने ना बड़ा अच्छा एक सेटअप किया होगा, क्योंकि पीसीबी जैसे सबको पता है प्लेयर्स और पीसीबी के जो रिलेशन है वो एक फैमिली की तरह है, लेकिन पीसीबी ने सब प्लेयरों को ये कहा भी हुआ है कि किसी को अगर कोई मसला हो कोई इस तरह का तो सबको ये भी बोला हुआ है वो अपने मर्जी से वो कर सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह वहाँ पे जाके मैं बड़ा पर उम्मीद हूँ कि वहाँ पे सब कुछ जो है वो बड़ा अच्छा होगा और इंशाल्लाह टूर अच्छी तरह से जो है वो अच्छी तरह से हो। जी नेक्स्ट हैं दानिश, शुएब जट, उबैद और इमरान। अच्छा नसीम, दानिश बात कर रहा हूँ। अच्छा नसीम, मुझे अभी शुएब अख्तर ने कुछ दिनों पहले बड़ा एक अच्छा बयान दिया था आपके लिए कि आप एक तगड़े बॉलर हो और वो आपको अपने साथ पार्टनर बनाना चाहते हैं अपना, उसमें आप उस पर क्या कहोगे, क्या आपका कोई टारगेट है कि आप भी 100 माइल्स तक जाओ, इस अपनी 100 मील का जो टारगेट है वो अचीव करना चाहोगे, खासतौर पर इंग्लैंड टूर पे जहाँ पे आपको अपनी फिटनेस का भी बहुत ख्याल रखना है? बिल्कुल, ये तो जाहिर बात है, लेकिन एक टूर से नहीं होता, क्योंकि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मुझे ये फील होता है, मुझे लगता है कि मैं जितने अपने ट्रेनिंग को बढ़ाता हूँ तो उससे मेरे स्पीड पे फर्क पड़ता है, लेकिन स्पीड के साथ साथ जो मेरी कोशिश होती है कि मेरी लाइन लेंथ भी ऐसा ही अच्छा रहे और मजीद बेहतर हो, और इसके अलावा मैं जो मेरा आउट स्विंग है, जो इन स्विंग जो नेचुरल चीज़ें उस पर भी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी जगह से हो, लेकिन ये ट्रेनिंग पे होता है। बिल्कुल, आप जितना ज्यादा ट्रेनिंग करते हो तो आपकी टारगेट तो ये होती है कि आप अपनी स्पीड को मजीद बढ़ाओ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी स्पीड और बढ़ सकती है और मैं इस पे जरूर कोशिश करूंगा। जी शुएब, उबैद और इमरान। नसीम, मेरा सवाल आपसे सिंपल सा है, शुएब जट बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान आप बॉलिंग लाइन ऑन लो के अब आप इनएक्सपीरियंस हो, सारे तजुर्बा भी आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी एम्स हमारे बॉलिंग के होते हैं, अगर आप पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन को देखो तो क्या समझते हो हमें कितने रन्स का टोटल अगर डिफेंड करना पड़े तो पाकिस्तान की ये बॉलिंग लाइन उसको डिफेंड कर सकती है? इंग्लैंड है अपनी सॉइल पे, उनके बैट्समैन जो है वो लंबा खेलना भी जानते हैं, बाद में उनके बॉलर्स जो है विकेट भी उड़ा लेते हैं, तो कितना टोटल मिल जाए तो हमारे बॉलर्स जो है वो उसको डिफेंड करके पाकिस्तान को जितवा सकते हैं? मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस की आपने बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस बॉलर भी बहुत ज़्यादा है जो बहुत खेले हुए हैं, वहाब भाई हैं, अब्बास भाई हैं, इसके अलावा इमरान खान सुहेल, तो ये है कि उनके साथ एक जो है एक डिस्कस करके एक अच्छा कम्बिनेशन जो भी उनके साथ टीम में खेले, तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि एक्सपीरियंस भी और हमें भी अब जो पीछे मैचेस खेले हैं उनमें परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा है और कॉन्फिडेंस है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहाँ पे भी जाके, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इंसान को जितना वो खेलता है तो उसको एक्सपीरियंस भी होता है और वो कॉन्फिडेंस भी मिलता है अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे होते हो, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो, अब ये तो नहीं कह सकते कि कितना हम डिफेंड करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि हम अच्छी जो है बॉलिंग लाइनअप और बैटिंग लाइनअप अच्छा करेंगे। थैंक यू। जी उबैद। अस्सलाम वालेकुम नसीम, उबैद अवान बात कर रहा हूँ अब तक न्यूज़ कराची से। मेरा क्वेश्चन ये है कि फास्ट बॉलर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो जब तीनों फॉर्मेट खेल रहा हो तो उसके लिए इंजरीज से बचना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है, तो आपने इस हवाले से क्या सोचा है कि अगर तीनों फॉर्मेट आप खेलते हैं, अभी तो कोविड की वजह से क्रिकेट नहीं हो रही, लेकिन आगे जब क्रिकेट ज़्यादा होगी तो क्या आप नहीं समझते कि एक फास्ट बॉलर जब तीनों फॉर्मेट में खेलता है तो उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा हो जाता है, तो इस हवाले से आपने क्या सोचा है कि किस तरह से इसको मेंटेन करना है, या आपके जहन में कुछ ऐसा है कि आपने खुद को किसी एक फॉर्मेट तक या दो फॉर्मेट तक आपने लिमिटेड करना है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ये है कि तीनों फॉर्मेट जब आप खेलते हैं तो आपको फिटनेस, सबसे पहली बात है फिटनेस, आपकी फिटनेस अगर ठीक हो तो आपको कोई भी फॉर्मेट से आपको मसला नहीं होगा, सबसे पहले टेस्ट आता है, अगर टेस्ट में आपकी फिटनेस सही हो, क्योंकि टेस्ट में बहुत लंबी बॉलिंग करनी पड़ती है,
तो आपको फिर T20 और वनडे थोड़ा सा इजी लगते हैं, लेकिन उसके साथ ये है कि आपके जो फिटनेस है वो बरकरार रहेगा। जब आपके फिटनेस खराब होंगे तो आपको तीनों फॉर्मेट में मसला होगा। और इसके अलावा काफी सारे बॉलर के लिए जो हमारे लेजेंड फास्ट बॉलर रहे हैं तो उनसे बिल्कुल पूछते हैं कि हमें अगर तीनों फॉर्मेट हम खेलते हैं तो हमें अपने फिटनेस का कैसे बरकरार रखना पड़ेगा, ये सारी चीजें। तो खुद भी इस पे वर्क कर रहे हैं और उनसे भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जैसे खेले उन्होंने जैसे मैनेज किया, तो उनसे मतलब ये डिस्कस करके और उनसे जो है अच्छा एक हमें मिलता है सीखने को कि कैसे आप लोगों ने मैनेज किया। थैंक यू जी इमरान। अच्छा नसीम, अभी आपने बात की, इमरान बात कर रहा हूँ डॉन न्यूज से। जी जी, आपने भी बात की कि टॉप थ्री बॉलर्स में आपको आना है, आप क्या समझते हैं इस वक्त दुनिया के टॉप थ्री बॉलर्स हैं वो कौन है? और अभी आप इंग्लैंड जा रहे हैं, जेम्स एंडरसन वहां पर होंगे, स्टुअर्ट ब्रॉड होंगे, क्या उनसे भी आपने कुछ सीखने का कोई हिकमत अमली बनाई? मेरी तो ये कोशिश होती है, मुझे तो कोई भी अगर जो माजी में बड़े बॉलर रहे हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान के हैं लेजेंड फास्ट बॉलर है, तो मेरी ये कोशिश होती है कि जितना मुझे टाइम मिलता है उनसे सीखने का, उनके पास जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ, क्योंकि ये एक मौका होता है। इससे अगर आप जो इतने बड़े बॉलर हैं, इतने इन्होंने आउट किए, उनसे आप सीखते हो तो ये अच्छी बात है। तो मैं कोशिश करता हूँ कोई भी जो बड़े बॉलर रहे हैं उनसे मैं कोशिश करता हूँ सीखने को, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सीखूंगा भी, और जिस तरह परफॉर्मेंस चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करूंगा अपने फिटनेस को बरकरार रखूं, और टारगेट यही है इंशाल्लाह कि टॉप थ्री बॉलर में आ जी। नेक्स्ट हैं जुबैर नजीर, अली हसन, अजहर मसूद और खिजर। अस्सलाम वालेकुम नसीम शाह और सबको। जुबैर एक्सप्रेस न्यूज कराची। नसीम, आपसे क्वेश्चन ये है कि आपके जहन में कुछ ऐसा है कि टूर पे किसी इंग्लिश बैट्समैन को आउट करने के लिए आपको टारगेट रखें, और दूसरा एक प्राइवेट सा छोटा सा सवाल, कोई शादी वादी का भी प्रोग्राम है? पहले का तो नसीम आई थिंक आप आंसर कर चुके हो, दूसरा जरूर कर दो, इंटरेस्टिंग लग रहा है उनके लिए। पहला तो यही है कि जैसे आपने कहा इंग्लिश के बैट्समैन एक को करूंगा तो फिर सर एक ही विकेट मिलेगा, क्योंकि फिर तो वो एक ही टारगेट एक विकेट होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन टारगेट ये इंशाल्लाह कि हर मैच में बॉलर ये कोशिश करता है कि मैं पांच आउट करूं, तो पांच में वो आपके जाहिर बात है इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है तो आप इंग्लैंड के ही आउट करोगे, तो इंशाल्लाह ये कोशिश है। दूसरा अभी बिल्कुल क्रिकेट पे फोकस है, सिर्फ क्रिकेट खेल रहा हूँ, और शादी का अभी तो 6-7 साल है, तो अभी इस तरफ कोई नहीं, अभी सिर्फ इन स्विंग आउट स्विंग और इन चीजों पे, ये मेरे लिए जो है वो शादी सब कुछ है। जी नेक्स्ट प्लीज। जी अजहर, आपको आवाज आ रही है, प्लीज क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो पीसीबी ने लेक्चर आपके लिए अरेंज किए थे, फॉर्मर्स ग्रेड ने आपने टिप्स दिए थे, कितना यूजफुल आपके लिए रहे हैं? और दूसरा ये बताइए कि अपना किससे अपना जान गया, आपका पहला एक्सपीरियंस है इंग्लैंड में, तो किससे आप अपना चाहेंगे कि कोई टिप्स गाइडेंस मिले जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देने? बिल्कुल, पहले आपने लेक्चर्स की बात की है, तो लेक्चर से तो हमें ये फ़ायदा होता है कि सबको पता है 3 महीनों से घरों में ही बैठे थे, और इतने बड़े जो हमारे लेजेंड होते हैं इनके साथ इतना हमें वैसे नहीं मौका मिलता बात करने की, और इतने लेकिन ये एक अच्छा मौका मिला हमें कि उन्होंने हमें लेक्चर दिया इतना लंबा, और बहुत कुछ उनसे सीखने के मिला, अपने लाइफ के बारे में बताया अपना, किस तरह वो उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की और कैसा उन्होंने अपना करियर गुजारा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा एक ज़बरदस्त था जो पीसीबी ने कराया हमारे लिए, क्योंकि हम उनसे ये चीज़ें सीखते हैं कि वो करियर में उनको कितने मुश्किल आता है, कैसे कैसे उन्होंने अपने करियर को जो है वो संभाला और कैसे कैसे किया, तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा था और हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसके अलावा इंग्लैंड की आपने बात की है, तो मेरा पहला टूर है और मैं तो कोशिश करूँगा वहाँ पे जितना ज़्यादा सीखूँ, और हमारे जो मैनेजमेंट है माशाल्लाह दुनिया के जो टॉप बॉलर्स हैं उनमें से जो हमारे कोच है वकार भाई, उनसे उनको बहुत ज़्यादा आइडिया है, क्योंकि वो खेले हैं हर जगह पे, वो खेले उन्होंने आउट किए, तो उनको बहुत ज़्यादा पता होगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनसे जाके
जो टाइम मिलता है उससे ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजार के उनसे पूछ लो कि क्या क्या जो है वो यहाँ पे अच्छा रहेगा। मत जी प्लीज नेक्स्ट। अच्छा नसीम अली हसन एयरवाई न्यूज से, आपको मेरी आवाज आ रही सही? जी जी बिल्कुल। नसीम आमतौर पर फास्ट बॉलर जो है पेस के पीछे दौड़ते हैं कि जितनी तेज बॉल करोगे तो विकेट नहीं निकल सकती है और उस चक्कर में वो लाइन लेंथ भूल जाते हैं, तो आप किस तरह के बॉलर बनना चाहेंगे कि लाइन लेंथ आप ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं या पेस ज्यादा दिखाना चाहेंगे इंग्लैंड के विकेटों पे जो कि पहले फास्ट बॉल है? जैसे मैंने पहले भी बात की कि मेरे ख्याल से स्पीड जो है वो भी बहुत जरूरी है क्योंकि आप फास्ट बॉलर बस स्पीड हो, एग्रेशन हो और जो अहम बात है वो आप लाइन और लेंथ की बात है, तो दोनों पे आप कोशिश कर सकते हैं। तो मेरी तो ये कोशिश होती है मैं अपनी स्पीड को भी बढ़ाने की कोशिश करता हूँ और उसके साथ साथ जो मेन जो चीज़ है वो ये है कि लाइन लेंथ से जो मेरे स्विंग होते हैं वो अच्छी जगह से हो। तो अगर आप अच्छी स्पीड के साथ स्विंग करते हो तो वो बड़ा मुश्किल होता है बैट्समैन के लिए, तो मेरी ये कोशिश। जी खैजर प्लीज। जी नसीम खजर फ्रॉम 92 न्यूज। नसीम ऑस्ट्रेलिया का टूर हो गया, अब आप इंग्लैंड जा रहे हैं। इंग्लैंड ये दो ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे तमाम ही क्रिकेटर्स का फोकस होता है कि उन्हें ये टूर मिले क्योंकि इन दो कंट्रीज में अगर आज आप परफॉर्म करते हैं तो दुनिया देखती है। आप पाकिस्तान टीम के उन क्रिकेटर्स में से हैं जो सबसे पहले गुड लक के आप बहुत जल्दी टीम में भी आए और आपको फेम भी मिल गया, तो हमने ये देखा है कि अक्सर फास्ट बॉलर जो हैं वो अपना करियर, अब जैसे वसीम अकरम है, वकार यूनुस हैं, इन्होंने अपने करियर को बहुत लंबे अरसे तक कंटिन्यू रखा मगर किसी ना किसी क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं, कभी फिटनेस इशू हो जाता है, बीच में एक दो इशूज और भी हो गए, फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग के इशूज भी आ गए, तो आप इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज्यादा किस तरह फोकस कर रहे हैं क्योंकि बहुत जल्द आए मगर आपको इस बात का भी आई थिंक एहसास होगा कि आपने एक ग्रीन शर्ट पहनी हुई और आप पूरी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो इन सब चीजों पे आप और यंग क्रिकेटर्स किस तरह फोकस कर रहे हो ताकि आपका करियर प्रोलॉन्ग हो, तो इन सब चीजों को कैसा देख रहे हो सब मिला के, सारी मिसालें आपके सामने ही हैं रीसेंट पास्ट में। जी नसीम आपका माइक म्यूट हो गया, प्लीज नसीम आपका माइक म्यूट है उसको ऑन कर लें। जी जी नसीम आंसर करिएगा। नसीम आपको आवाज आ रही है? हेलो नसीम आपको आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है। जी आंसर करिएगा प्लीज। वो रहता भाई प्लीज उनको के दोबारा से करें, भूल गया हूँ, इधर ही वो सही आवाज भी नहीं आ रही थी और बीच में आवाज कट रही थी। बेसिकली खिजर पूछ रहे थे कि जो अभी रीसेंट कंट्रोवर्सीज वगैरह हुई हैं इस पे से मतलब अपने आप को कितना फोकस रखते हैं पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स और आप अपने आप को किस तरह आगे देखेंगे? ये समझ नहीं आई सही तरह आवाज ना बीच में। नसीम आवाज आ रही है मेरी, दोबारा सवाल कर लेता हूँ कि सबसे पहले तो जी इंग्लैंड का टूर, ऑस्ट्रेलिया का टूर हो गया, अब आप इंग्लैंड जा रहे हैं, तो तमाम ही क्रिकेटर्स की ख्वाहिश होती है कि इन दो कंट्रीज में खेलें और अच्छा खेलें ताकि दुनिया में अपने आप को मनवा सकें। दूसरी बात यह है कि आपने वसीम अकरम वकार यूनुस को देखा, इनका एज अ फास्ट बॉलर एक बहुत लंबा करियर रहा है मगर हमने देखा कि उनके साथ साथ या उनके बाद बहुत से प्लेयर्स आए, फास्ट बॉलर भी आए, नाम बनाया मगर बहुत जल्दी पिक्चर से आउट हो गए, उसमें बड़ा औकात फिटनेस इश्यूज रहे और खास तौर पर अब ये जो फिक्सिंग स्कैंडल्स हैं वो उनके करियर में जो है बहुत अच्छे क्रिकेटर थे मगर इस तरह के इश्यूज ने उन्हें पाकिस्तान टीम से आउट कर दिया, तो कितना आप प्राउड फील करते हैं कि अब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कितनी जिम्मेदारी अपने ऊपर महसूस करते हैं कि आपने ही आगे जाना है क्योंकि जल्दी आए मगर करियर को प्रोलॉन्ग करना है पाकिस्तान के लिए और अपने लिए? पहले आपने बात की है टूर की, बिल्कुल जितने अच्छे टीम के खिलाफ आप खेलते हो तो आपको ज़्यादा आपको अच्छा भी लगता है, ज़्यादा फोकस होना पड़ता है और वो कोई भी टीम हो और खिलाफ कोशिश करते हैं अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन जैसे आपकी बात है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के टूर बहुत जो है वो ज़्यादा काउंट होते हैं, लेकिन
ये है कि कोशिश करेंगे वहाँ पे जाके अच्छी परफॉर्मेंस की, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि ये इतनी बड़ी टीम है या ये है या वो है, क्योंकि माशाल्लाह हमारे पास जो प्लेयर्स हैं जो जो है सब कुछ वो भी बड़े जो है मतलब अच्छे हैं सब, तो इंशाल्लाह अच्छा मुकाबला होगा और आपकी जो सीरीज रहे वो भी बड़े अच्छे रहे इंग्लैंड में। और दूसरी जो आपने बात की फास्ट बॉलिंग की, बिल्कुल फास्ट बॉलिंग में इंजरीज वगैरह आते हैं और ये हिम्मत वाली चीज़ है कि आपको इंजरी आती है और उसके बाद अपने आप को कवर करते हो और दोबारा से आप बॉलिंग पे आते हो। और इसके अलावा बिल्कुल आपने बात की वकार भाई वसीम भाई की, तो वो इतने बड़े बॉलर रहे हैं, उन्होंने अपना करियर इतना अच्छी तरह से जो है मैनेज किया हुआ है, तो इंशाल्लाह हमारी भी इसी तरह कोशिश होगी कि हम अपना करियर को अच्छा, और अगर हमें कोई इंजरी हो भी जाती पहले तो ये कोशिश होगी हमारी कि अपने फिटनेस को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि इंजरी का सामना ना पड़े, लेकिन अगर इंजरी हो भी जाते तो उसको दोबारा कॉल करने के लिए हिम्मत करनी पड़ती है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा रहे। जी नेक्स्ट है क्वेश्चन के लिए मैं प्लीज कहूंगा अतीक अहमद, अहमद नजीब और एहसान। नसीम मेरा सवाल ये है कि आपका पूरा फोकस जो है वो क्रिकेट पे ही होता है लेकिन आप इंग्लैंड खेलने जा रहे हैं, इंग्लैंड के कुछ बैट्समैनों के नाम आप बताएंगे कि आपको याद है कोई इंग्लैंड के बड़े, क्योंकि बड़े बड़े बैट्समैन हैं, ठीक है आपका फोकस क्रिकेट पे ही होना चाहिए लेकिन आप इंग्लैंड के कुछ बड़े बड़े टॉप बैट्समैनों के नाम बताएंगे? बिल्कुल, इंग्लैंड के जो है जियो रूट है, इसके अलावा अभी मुझे सही तरह अभी नाम नहीं आते उनके, मैं वीडियोस देखता हूँ नाम भूल चुका हूँ, इतना तेज है नहीं है, मतलब पूरे तरह नाम नहीं आता, ऐसे पता है ये इतने अच्छे बैट्समैन है, लेकिन नाम का ये है कि पीछे और आगे के जो नाम है ऐसे करके मुझे आते हैं, लेकिन मॉर्गन और ये इस तरह के, लेकिन उसके जो पीछे नाम होते हैं वो मुझे नहीं आते, बेन स्टोक आजकल बड़ा अच्छा, ये तो ऐसा सॉरी ये तो मैं ऐसी बात करता, लेकिन अब जो पता नहीं वो सवाल पीछे हो सके नहीं हो सका, अब जो आईसीसी ने पाबंदी लगाई है सलाइवा मतलब थूक इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो एक फास्ट बॉलर को कितनी आपको कितनी मुश्किल होगी, पुराने क्रिकेटर तो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल होगी रिवर्स स्विंग में और उसमें, तो आप एक नौजवान क्रिकेटर हैं आपको कितनी प्रॉब्लम होगी बॉल चमकाने के लिए? मैं आपको एक इसके हवाले से ये बात बता दूं कि जब मैं क्रिकेट में आया पहले मुझे ये नहीं पता था कि स्पाइक्स क्या होती हैं, जब हम स्पाइक्स पहचाने हमने तो फिर हमें ये लगता था कि ट्रेनर में बॉलिंग कैसी होती है, और पहले हमने जो है अपने जैसे जैसे जगह पे हमने मैचेस खेले हमें ये भी नहीं पता होता था इंजरी क्या होती है, तो बस यही कोशिश कर रहे होते सीखने, जो भी कंडीशन आती है हम सीखने की कोशिश कर रहे होते, और इससे पहले जो वेस्ट इंडीज की सीरीज है वो देखेंगे गौर से कि उसमें क्या हो रहा है, फास्ट बॉलर कैसे कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही है, तो आईसीसी के रूल्स है कोरोना की वजह से क्योंकि नहीं हो सकता तो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, और कोई ऐसा तरीका हो पसीने से भी बॉल अच्छा शाइन होता है और अगर वो पुराना हो जाता है रिवर्स भी बड़ा अच्छा हो जाता है, तो इंशाल्लाह कोशिश है कि जैसा हो हम तो किसी भी तरह बॉलिंग कर लेते हैं। रजा भाई आप म्यूट पे हैं, सॉरी। नेक्स्ट मैं कहूंगा अहमद नजीब, असगर नसीम और शाहजेब, प्लीज हमारे पास लास्ट 5 मिनट्स है, क्विकली प्लीज अपने क्वेश्चन कर लीजिए। अहमद आपका माइक म्यूट पे है। ओके सही है। अस्सलाम वालेकुम नसीम, इट्स अहमद नजीब फ्रॉम क्रिकेट, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र आप। अच्छा नसीम आपसे सवाल ये है कि एक तो ये सवाल कि आप इंग्लैंड जा रहे हैं और पाकिस्तान या बाकी कंट्रीज के मुकाबले में इंग्लैंड में ज़रा लेंथ मुख्तलिफ होती है, हमने अमूमन ये देखा है कि कामयाब फास्ट बॉलर थोड़ा आगे गेंद को पेश करते हैं, आप थोड़ा नॉर्मली हमें शौकीन लगे कि थोड़ा बैक ऑफ द लेंथ या गुड लेंथ पे आप ज्यादा बॉल करते हैं, तो इसके हवाले से कुछ आपने तैयारी कर रखी है अपनी लेंथ को किस तरह आप एडजस्ट करेंगे आगे? और दूसरा ड्यूक सर जो बॉल होता है वो उसके बारे में बहुत ज्यादा स्विंग होता है, उनकी कंडीशन वैसे स्विंग होता रहता है, तो उसको कंट्रोल करना भी एक आर्ट है, इसके हवाले से कितनी तैयारी कर रखी है, कोई प्लान बनाया माइंड में किस तरह से जाके उस बॉल पे मास्टरी हासिल करनी है आप? नहीं बिल्कुल, ये है कि वहाँ पे जाके हमें तो बॉलिंग का मौका मिलेगा जाहिर बात है, और ड्यूक बॉल का थोड़ा सा इंग्लैंड में जो मैं वीडियोस देखता हूँ और जहाँ से आउट होते हैं जैसे एंडरसन
ब्रॉड इनके जो मैं ज्यादातर वीडियोस देखता हूँ तो उसमें बिल्कुल लगता है कि वो थोड़ा सा लेंथ को जो आगे करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में बॉलिंग कर रहे होते हो तो पाकिस्तान में आप इतना आगे जो है वो लेंथ, लेकिन हर जगह के लिए वो आपको मैनेज करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा अलग होता है, पाकिस्तान में अलग होता है, हर जगह में, लेकिन इंशाल्लाह इतना मुश्किल नहीं है। वहाँ पे जाके बॉलिंग का मौका मिलेगा, नेट्स में करेंगे, प्रैक्टिस मैच होंगे तो वहाँ पे कोशिश करेंगे कि जो जो अच्छा लेंथ है वकार भाई से पूछेंगे, जाहिर बात है वो बताएंगे, और सीनियर जो बॉलर हैं जो वहाँ पे खेले उनसे भी डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह वहाँ पे बड़ा जल्दी जो है कोशिश करेंगे कि जो जो लेंथ अच्छा है वहाँ पे बोल। जी असगर, ओके जी नसीम साहब और शाहजेब। नसीम मैं आपसे एक स्टूडेंट बोर्ड है ना अली, प्लीज अपना माइक म्यूट करें यार। नसीम अस्सलाम वालेकुम। नसीम आप बहुत जबरदस्त किस्म के बॉलर दिखाई देते हैं और बड़े सेंसेशनल किस्म के पेस आपका जो है, जो आपकी बॉलिंग है वो सब हमने देखी है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे हम शो करते हैं तो अक्सर जो एक्सपर्ट्स आके बैठते हैं वो आपके बॉलिंग एक्शन के हवाले से बात करते हैं कि थोड़ा सा आपका बॉलिंग एक्शन कुछ इस तरीके का है कि जिसमें आपकी कमर से जरा ज्यादा जोर लगता है और जिसकी वजह से आपकी इंजरीज का लेवल दूसरे बॉलर्स के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा इंजरी होती है। तो इस सिलसिले में भी कोई काम हुआ है, कोई वकार यूनुस ने या आपके जितने भी कोचेज हैं उन्होंने कुछ आपको बताया कि आपका जो जोर लगता है कमर का उसकी वजह से आप दूसरे हसनैन से देख लें या फिर शाहीन शाह अफरीदी से देख लें उनके मुकाबले में आपकी इंजरीज ज्यादा होती हैं? जी बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन बचपन से आप जिस सेक्शन में बॉलिंग करते हो, टेप बॉल से आपने जब स्टार्ट किया और जिस सेक्शन से आप बॉलिंग करते हो तो वही एक्शन आप अगर पाकिस्तान टीम में उसी में आ जाते हो सब कुछ, तो थोड़े बहुत जो चीज़ें होती हैं चेंज करने वाली होती हैं। वकार भाई से वकार बनी के हवाले से बताया हुआ है कि आपका थोड़ा सा मेरा जो जो टांग था वो गिरता था अंदर की तरफ, उसको थोड़ा सीधा किया, जो छोटी चीज़ें, क्योंकि आप एक्शन में बड़ा चेंज लाओगे तो आपको जो एक्शन का मज़ा है और जो 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 नेचुरल एक चीज़ है जो आपके पास स्पीड है वो उसमें थोड़ी सी वो खराबी हो जाती है, लेकिन छोटे बहुत चीज़ों में कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ है आपको एक्शन में अगर जहाँ पे आपको लोड पड़ता है तो मैं मेरी ये कोशिश होती है कि मेरी अगर कमर पे लोड पड़ता है तो मैं कमर पे काम कर रहा हूँ कि कमर को मैं स्ट्रॉन्ग करूँ ताकि मुझे इंजरी का सामना ना करना पड़े। और बिल्कुल छोटे बहुत चीज़ें जो थी वो हमने इस पर बात की वकार भाई से और वो वीडियोज़ वगैरह देखे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हुआ है, और इसके साथ साथ जो वो फिटनेस भी कर रहे हैं कि इंजरी से बचा रहे हैं। थैंक यू जी शाहजेब। अस्सलाम वालेकुम नसीम। नसीम 10 माह कबल आपका इंटरव्यू किया था नेशनल स्टेडियम में, उस वक्त आप अंडर-19 एशिया कप के लिए जा रहे थे और आप माशाल्लाह से आपकी पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट्स हैं। सवाल सिर्फ ये है कि आप जाएंगे, आप अगस्त में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलेंगे, लेकिन उससे पहले इंग्लैंड 3 टेस्ट मैचेस वेस्ट इंडीज से खेल चुका होगा, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज नहीं होगा कि उनके बैट्समैन ऑलरेडी प्रैक्टिस में होंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो प्रैक्टिस में होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता, हम भी वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस मैच खेलेंगे, और मेंटली जो है हमें ये चीज़ जो है वो मेंटली हमें तैयार होना पड़ेगा कि हमने जो है डायरेक्ट जाके मैचेस खेलने, प्रैक्टिस करनी और जाके मैचेस खेलने, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि प्रैक्टिस अच्छी होगी, वहाँ पे जो प्रैक्टिस मैच है वो भी अच्छी होगी और अच्छा क्रिकेट खेलेंगे उनके साथ। ओके जी, थैंक यू वेरी मच आप सबके टाइम देने का। नसीम आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का, इंशाल्लाह कल फिर एक नए प्लेयर के साथ आपसे मुलाकात होगी इसी टाइम पे। बिल्कुल थैंक यू वेरी मच सबके टाइम देने का, प्लीज थैंक यू। थैंक यू राजा भाई, थैंक यू नसीम, थैंक यू राजा भाई, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ राजा, अल्लाह हाफिज़।